एक किरण सी अंदर से जाग रही है कि जैसे अभी मिल जाएगी, लेकिन कोई एक चीज ब्रदर जो बड़ी प्रॉब्लम लगती है यहाँ पे सिडनी की, एक और चीज जो उन लोगों ने मेरे को बताई वो हमने रिकॉर्ड नहीं की। सिडनी में भी ऐसे बंदे रहते हैं भाई, ये लेडीज है और आज सैटरडे नाइट है तो चिल हो गया लेडीज का, पूरा फन करके आई है कहीं से, अभी टायर्ड है। ये इसका साइकिल है जो सामने लगा हुआ ना, ये वाला पूरा चल कर रही है, किसी की टेंशन नहीं कोई। ओ कही अभी गिरती हुई फिर रही है, गिरती हुई लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ओ ओ फन करने वाले बंदे हर जगह में बैठे हुए हैं भाई, जैसे अपने अपने तरीके से हर कोई बंदा अपना फन ढूंढ ही लेता है। जैसे मैं अभी लैपटॉप के ऊपर 2-3 घंटे बैठ गया हूँ तो मैंने अपने टाइप का फन किया। यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया, अभी यहाँ से अपने को मिलेंगे। अगर आपके पास में कार नहीं है ना तो ड्राइव थ्रू के ऊपर बड़े चक्कर चलते हैं। थैंक यू मैन। ये नाइट भी याद रहेगी भाई, वॉलमार्ट के साथ में वेंडीज के ऊपर हमने डिनर लिया, टिम हॉर्टन के ऊपर नाश्ता किया और अभी आधा जो डिनर है वो वहाँ से उठाएंगे। जब छुट्टी है तो चिल करेंगे पूरा, कल अपनी लोकेशन चेंज करेंगे ताजो किसी को मालूम ही ना पड़े हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, कि लोकेशन हमारी ये हो गई, कल की लोकेशन कोई दूसरी देखेंगे और कल एक और नया धमाका करेंगे, वो देखते हैं क्या होता है। मैंने बॉम्ब ऑर्डर किए हुए, बॉम्ब लगा के फटा देना यहाँ पे। सारे अपने ही बंदे हैं भाई, इंडियन, पंजाबी और गुजरात से। वो जो टीम मॉडल है ना, वहाँ भी जब हम ब्रेकफास्ट करने के लिए गए थे ना तो वहाँ पे अपना एक भाई है, वो मेरे को मिलने के लिए स्पेशल अंदर से, बोलता बड़ी खुशी हुई। मैं बोलता भाई मेरे को दुगनी खुशी हुई कि नोवा स्कॉशिया में भी अपना कोई बंदा है अभी। इससे पहले कि कोई पुलिस वाला आए हमको यहाँ से निकाले कि तुमने भाई बहुत शोर मचाया हुआ है, आराम से अंदर घुस के सो जाते हैं, कल सुबह देखते हैं क्या बनता है। ऐसे स्टाइल होता है मेरा जब मेरे को फ्री टाइम मिलता है ना और खाने के लिए जगह मिल जाती है। इसमें चिकन नगेट है, ये विंग्स हैं, ये साथ में चटनियाँ, ये बारबेक्यू और ये फ्राइज और ये अपनी डार्लिंग। वाह, इस कारण लाइटें भाई की लाइटों ने भाई बड़ा मेला लूटा इस सीरीज में। सुबह हो गई है भाई, लोकेशन चेंज करने का टाइम आ गया, एक दिन वहाँ पे खड़े हुए यहाँ पे, अभी एक दिन किसी और जगह में चलते हैं, कुछ नए रेस्टोरेंट होंगे, कुछ नया खाने को मिलेगा। दिस इज ट्रकिंग भाई जी, जब ऐसे वाले चक्कर पड़ जाते हैं ना दिल बड़ा बड़ा रखना पड़ता है, इतने बड़े बड़े साइज के जूस रखने पड़ते हैं पास। ये देखो, आह वो टिम वॉटर वाले आ भी गए। यहाँ पे ना इंडिया रेस्टोरेंट है नहीं कोई, ये वॉलमार्ट जो है ये नॉर्थ सिडनी का, वो वॉलमार्ट जो है वो मेन सिडनी का, देखते हैं वहाँ पे जाके जगह मिल जाएगी, क्योंकि अभी इनका टाइम 7 ही बजे, अभी तो दुनिया सोई होगी, एक ऊपर से है भी संडे, संडे वाले दिन जगह मिल जाएगी आराम से, वहाँ पे जाके ब्रश ब्रुश करते हैं। हमने पहुँच जाना है दूसरी लोकेशन के ऊपर, जब तक वो लोग उठेंगे तब तक उनको मालूम पड़ेगा यहाँ पे तो भाई एक ट्रक आ गया। वाह वाह वाह, तो सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल, चढ़दी कला ही होनी चाहिए, अगर ट्रकिंग करनी है तो भाई चढ़दी कला तो रखनी पड़ेगी। यहाँ पे बड़े पॉइंट आते हैं, यहाँ पे आपका डीमोटिवेट होने को दिल करेगा लेकिन आपने डीमोटिवेट होना नहीं है। ये ट्रक की जो एक बीमारी है उसको हर सुबह ठीक करना पड़ता है, इसको फिर से किलोमीटर में करना पड़ेगा, हर रोज जब ट्रक बंद कर देते ना तो माइल्स में हो जाता है भाई। ये वाला जो वॉलमार्ट था ना, यहाँ पे ट्रैफिक ट्रूफी कुछ नहीं थी और बड़ा मजा था, सामने देखो आर्मी वालों का कैसे मेला लगा हुआ है। सिग्नल ग्रीन है भाई जी और ग्रीन सिग्नल में हम लेफ्ट कर जाएंगे आराम से। चलो अच्छी यादें बन गई नॉर्थ सिडनी से और सिडनी से, यही तो जुगाड़ बन गया भाई जी, सिटी में घुस गए सिटी में, ये तो घरों घरों के बीच बीच में आ गए भाई जी, काफी आगे आगे, वहां से 20 किलोमीटर हो गया 20 किलोमीटर। ये लॉट खाली पड़ा हुआ, यहाँ पे ना पार्क कर दूं, बंदूकें बजा के होती है भाई इनके पास में, डर ही लगता है। आजो कार वालों आजो, मैं फ्री बंदा हूँ, मेरी टेंशन मत लो, आई एम टोटली फ्री, मिल जाएगी पार्किंग ब्रो, डोंट वरी। याद है आपको हवाई गेन, हवाई बर्गर किंग वालों, आपको भी आज तंग किया जाएगा, आज हमारा अड्डा है इधर, आज यहाँ से ही हमले होंगे जितने भी होंगे, यहाँ पे मोर्चा लगाएंगे और इसकी जो एंट्रेंस है ना काफी खुली है,
बाहर निकलने के टाइम में ज्यादा तंगी नहीं होगी यहाँ पे। ये भी हमारी तरह गुम हुआ बंदा लगता है भाई, रेस्ट कर जाके सुबह सुबह। वो खंबे की तरफ जा रहा हूँ मैं, ध्यान मेरा किधर है, जा खंबे की तरफ रहा। खंबे खुंबे का बचा ही करना है भाई, खंबे को साथ में नहीं लेके जाना। ये सामने एक लेडीज आई ना, ये बड़ा काम की चीज है ये। ओ उसने कपड़े निकाले और वो खोला और ये गए, और सामने पढ़ो क्या लिखा, क्लॉथिंग डोनेशन बिन। मैं अभी आपको पास जाके भी दिखाऊंगा, थोड़ा काम कर रहा हूँ। यहाँ पे जगह जगह में ये वाला सिस्टम बने होते हैं। सारे शहर को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि हम नहाए नहीं है। चलते हैं यार, कुछ खा पी के आते हैं और फिर डाउन टाउन को निकलते हैं, देखते हैं डाउन टाउन में क्या है। वैसे मैं कार रेंटल ढूंढ रहा था अपने आसपास भी, कार मिल जाए रेंट के ऊपर, लेकिन कार रेंट के ऊपर मिलने पॉसिबल ता नहीं हुई। एक तो संडे बहुत सारी जो प्राइवेट कारों वाले वो बंद है, और दूसरे जो है वो 12 बजे खुलेंगे, और खुल के उनके पास में कार की अवेलेबिलिटी, एक दो को मैंने कॉल की उनके पास में कार की अवेलेबिलिटी है नहीं। आज बोलते हैं मंडे, कल मॉर्निंग मिलेगी। अभी एक ड्रोन ले लेते हैं साथ में, किट लेते हैं साथ में, क्योंकि पानी की प्यास लगती है रास्ते में, गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। टेम्परेचर पता कितना है, 33 डिग्री टेम्परेचर हो गया, अभी दिन निकला ही है। मॉल अभी खचा खच भरा हुआ है देखो, और अपने साथ में डॉलरामा है, यहाँ से भी एक दो चीज़ें उठानी है, उठा लेते हैं। मेरे को लगता है मैं परमानेंट ट्रक में शिफ्ट हो गया हूँ, ये चाहिए अपने को। बाहर कम देखते हैं बंदे अपने, लेकिन जहाँ पे पैसे काटने वाला काउंटर होता है वहाँ पे तकरीबन सारे इंडिया के बंदे, कोई गुजरात से, कोई हरियाणा से, कोई इंडिया से। मैंने पहले ही बताया जैसे मैनिटोबा ने ड्रॉ हाई किया, काफ़ी सारे स्टूडेंट इधर उधर मूव हुए हैं कैनेडा में। बहुत ऊँचा पहाड़ है, ट्रेलिंग करके जानी है। छोड़ आए हम थोड़ी देर के लिए अपना ट्रक पीछे, कुछ खाते हैं यार, ज़्यादा गर्मी हुई ना, फिर मैं अभी नहीं निकलूँगा, वापस ट्रक में आऊँगा, फिर शाम को जाएंगे यहाँ से टैक्सी करके 5 बजे के बाद में। भाई गर्मी 33 डिग्री है, दिमाग मेरा अभी ख़राब हो गया, आदत नहीं है ना गर्मी में अभी काम करने की, बाहर रुकने की या पैदल चलने की। ये आगे भाई बाहर, अभी दो ऑप्शन है, बहुत कम मौके मिलते हैं जब सड़कों को क्रॉस करना पड़ता है पैदल, कभी देखा है, बहुत कम देखते वहाँ मेरे को। ये बटन अगर इधर जाना है, ये बटन अगर इधर जाना है, दबा दिया दबा दिया दबा दिया 5-7 बार। ओ यस, आवाज आई ना, ओह ब्लिंक करना शुरू हो गया, जब ब्लिंक करता तो भाग लेना चाहिए। सारे बंदे खड़े होकर रास्ता दे रहे हैं आप लोगों को, बंदे अच्छे हैं। एक चीज की कमी बहुत महसूस हो रही है, मैं गॉगल्स भूल गया हूँ ट्रक में। जबरदस्त चल रहा है निशान का, और कलर देखो कितना जबरदस्त है इसका। जो वो सबसे राइट वाली निशान है ना, वो निशान पेट्रोल जो हमने दुबई में ली थी, सेम उसकी कॉपी है ना, लेकिन यहाँ पे इसका नाम शायद प्लैटिनम कुछ करके, पेट्रोल नहीं बोलते यहाँ पे इसको। गर्मी बहुत ज्यादा, टू मच, पसीनों पसीनी हो गया, सारा मेकअप खराब हो गया मेरा। बड़े दिनों के बाद में भाई इंडिया का फूड मिला अपना पंजाब वाला। मैंने तो भटूर के छोले पेले, पंजाबी गाने लगे हुए हैं साथ में। बाहर इतनी गर्मी है ना, मेरी हिम्मत नहीं हो रही अभी बाहर जाने की, सोच रहा हूँ टैक्सी करके जाऊँ यहाँ से वापस ट्रक तक। 37 डिग्री भाई, लेकिन चाय बड़ी स्वाद है, भटूरे छोले भी स्वाद है। एक चाय और बनवा दोगे अदरक तो बगैर, बिल्कुल लाइट ही अदरक, बहुत काट नहीं लगेगी। एक चाय से बात नहीं मर रही भाई, एक और चाय ऑर्डर की है, घर वाली चाय मिली है भाई सदियों के बाद में, बड़ी बढ़िया लगी चाय मेरे को। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा ना, तो मैं भी मंदीप के साथ में ऐसी गाड़ी में घुमा करूंगा रिटायर होने के बाद में। और रेस्टोरेंट का नाम बताना भूल गया भाई, लिटिल शेफ रेस्टोरेंट है सिडनी में। चाय बड़ी टेस्टी लगी, छोले भटूरे हमने इंडिया वाले खाए होते हैं उसकी बराबरी तो नहीं होती, लेकिन काफ़ी टेस्ट थे। ये देखो सीमेंट के बड़े बड़े बना के रखे हुए हैं उसके ऊपर वजन डालने के लिए। डाउनटाउन का प्रोग्राम मैंने कैंसिल कर दिया गर्मी की वजह से, लेकिन अभी थोड़ी ठंडी हवा चल रही है। मेरा प्लान है कि मैं शाम को टैक्सी लेके निकलूंगा 5-6 बजे, एक चक्कर लगा के आ जाएंगे, फिर देख लेंगे क्या माहौल बनता है। आग लगी हुई है भाई ट्रक में। थोड़ा ट्रक ठंडा होता है ना, आपको ड्रोन उड़ा के थोड़े से घर दिखाता हूँ, इस साइड में घर देख के आया हूँ। काम यहाँ पे है, जिसको मिला हुआ है वो तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वो पीआर नहीं होता। बाकी अगर कोई मिल गया तो उसे बात करके देखते हैं, कोई बात करने के लिए भी जल्दी रेडी नहीं होता कैमरे के ऊपर, सब शाही होते हैं मालूम नहीं। ड्रोन गई फिर भाई, ड्रोन रेंज से बाहर हो गई यार।
सारा दिन फिर खराब हो गया। मैंने पंगे लेने मालूम नहीं कब बंद करने यार। ड्रोन गिर गई पानी में, ड्रोन पानी में गिर गई। वो सामने एक पानी वाला ब्रिज है, मैं वहाँ तक लेके गया, कनेक्शन लॉस्ट हो गया। अभी ड्रोन मेरे को मालूम नहीं है कहाँ पे। वैसे तो वापस आनी चाहिए अगर ड्रोन ऐसे लॉस्ट होती है, लेकिन ड्रोन कहीं दिखाई भी नहीं दे रही। कोई कनेक्शन नहीं बन रहा ड्रोन से। गर्मी से बच रहा था, ऐसे ही पंगे ले रहा बस, ऐसे ही जान बूझ के। मैं बोला ब्रिज के नीचे से निकालते हैं, ब्रिज के नीचे तो गई, कनेक्शन लॉस्ट हो गया। ड्रोन वापस आनी चाहिए यार, बोलते हैं जब कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है ना, अगर वो उड़ रही है तो वापस होम पॉइंट पे जाती है जहाँ से उड़ाई होती है। यहाँ पे नीचे पानी चल रहा है ना, मेरे को ऐसा लगा ड्रोन है। मैंने ऊपर देखना शुरू कर दिया, कनेक्शन लॉस्ट हो गया, मेरे ख्याल में भी नहीं मिलेगी। मेमोरी कार्ड भी उसमें भाई, मेमोरी कार्ड भी गया काम से। इतना अच्छा है, मैंने कल जो शिप में उड़ाई थी, शिप वाली फुटेज उसमें निकाल ली थी भाई, ये बचाव हो गया। सिडनी सारी उम्र याद रहेगा अगर ड्रोन ना मिली तो। ब्रिज के ऊपर जाने का तो फायदा नहीं है, ब्रिज के नीचे देखता हूँ जाके। नहीं यार कनेक्शन ही नहीं आया बाद में। यहाँ तक ड्रोन आई है, यहाँ तक जहाँ तो कोई स्कूटर वाला या बोट वाला उठा के लेके गया। वो दो बोटें जा रही हैं इस तरफ से, उनका दिल बेईमान हो गया, कहाँ मिलेगी अभी। पानी में गिर गई फिर तो डूब गई होगी। ऐसे लेके आया मैं, ऐसे दिख भी रहा है मेरे को, आराम से जा रही है नीचे से। इसके नीचे आगे कनेक्शन लॉस्ट कर गई, कॉन्टैक्ट खत्म हो गया रिमोट के साथ में। हमारे पंजाब में तो पहले ही बहुत पानी आया हुआ है, डर ही लगता है पानी में, कितना गहरा होगा पानी। किस्मत खराब तो क्या करेगा भाई। जहाँ तो कोई नीचे बैठा हुआ था, बीरे बुरे पड़ी हुई यहाँ पे, बीरे पीने वाले बंदे आते हैं शाम को। ये बोट अपनी तरफ ही आ रही है, मेमोरी कार्ड भी गया। इतना शुक्र है कि मैंने आज सुबह शिप वाली फुटेज निकाल ली थी इसमें से। किसी पंछी को लगी है, कोई बंदे ने रोड़ा रड़ा मारा है, कुछ किया है, अभी कुछ आइडिया नहीं हो रहा, लेकिन इतना मेरे को मालूम है कि ये वाली साइड से उस तरफ भी थी, सेंटर में थी। एक किरण सी अंदर से जाग रही कि जैसे अभी मिल जाएगी, अभी मिल जाएगी, लेकिन क्योंकि अगर वो हवा में जाती तो वापस इसके साथ में कनेक्ट होना था उसको डेफिनेटली, लेकिन वो वापस हवा में गई नहीं। इतना अच्छा व्यू आ रहा था ना वहाँ से, उड़ाई थी सुपर स्टोर, ये वाले घर देख रहा था मैं पानी के पास वाले। एक स्कूटर वाला गया यहाँ से उस तरफ, वो बंदा जो है ना, वो बंदे पे मेरे को शक हो रहा है कि कहीं वो बंदा कांड तो नहीं करके गया, क्योंकि काफ़ी नीचे थी, मैं इसके नीचे से निकालने की कोशिश कर रहा था। छोले भटूरे खाए सारे बाहर निकल गए, दिमाग का दही हो गया भाई। दुख पता किस चीज़ का है, दुख इस चीज़ का है कि अभी सारा ट्रिप पड़ा हुआ है वापसी के ऊपर। इतनी जल्दी कनेक्शन जाता नहीं कभी भी ड्रोन का, किसी ने पकड़ी है। दिल नहीं कर रहा यहाँ से जाने के लिए, मेरे को अभी भी लग रहा है कि ड्रोन निकलेगी बाहर, जैसे बॉडी फूल के बाहर आ जाती है ना मरने के बाद, शायद हो सकता है ड्रोन भी बाहर आ जाए यार। मैं अभी भी इधर उधर देख रहा हूँ कि कहीं पत्थर पत्थर में पड़ी हो, दुख तो होता ही है, लेकिन इतना शुक्र है कि इसमें सिर्फ यही फुटेज थी जो मैंने अभी उड़ाई है, और कोई फुटेज है नहीं उस। तो अंदर जाके जो शिप के ऊपर मैंने जो फुटेज ली थी सारी बेकार हो जानी थी। अलास्का वाला ट्रिप बिल्कुल सही गया, कोई नुकसान नहीं हुआ। बाइक वाले ट्रिप के ऊपर ड्रोन गई, अभी ये वाले ट्रिप के ऊपर फिर ड्रोन गई। दिस इज नॉट फेयर यार ऊपर वाले। अभी मालूम नहीं लॉस्ट का इंश्योरेंस वाले भी कुछ देते हैं या नहीं देते। पानी देखो कितना साफ है यहाँ पे, अगर यहाँ पे गिरी है तो भाई बता दे यार, दिख जाए कहीं पे। तेरा क्या करूँ अभी अकेले का। इनको मालूम होगा लेकिन ये बताएंगी नहीं, वे बड़ी तेज होती हैं। ये देखो मैंने निकाला है, इसमें लास्ट रिकॉर्डर लोकेशन जो है ना ये वाली है। एयरक्राफ्ट नॉट कनेक्टेड, अनएबल टू स्टार्ट फ्लैशिंग। अगर मेरे में पावर होती ना मैं अभी कॉल करता कि भाई एक इन्वेस्टिगेशन टीम भेजो और मेरी ड्रोन को गोताखोर अंदर से निकाल के लेके आए, उसमें मेरी 2-4 मिनट की बड़ी कीमती फुटेज है। ये नीचे वो ब्रिज है और वो सामने अपना ट्रक लगा हुआ है, वो देखो, वो देखो, बस इतनी दूर आई है ड्रोन, ज़्यादा दूर नहीं आई। जाओ नहीं कोई मोड़ ले आवो मेरी ड्रोन, सिडनी दिया सड़कां ते घूम दे आराम से। ट्रक में जाके ना अभी नींद बहुत आएगी। जब अपनी किसी चीज़ के ऊपर आफत आती है ना, बंदा ना गर्मी देखता ना सर्दी देखता है। DGI वालों ने बोला है कि तेरा 2-3 महीने के बाद में यही काम होता है, बाकी भी ड्रोने हमने बेची हुई हैं, किसी का कोई इतना चक्कर नहीं जितना तेरा चक्कर चला हुआ है, तेरी हवा बड़ी ख़राब है। अभी मालूम नहीं लॉस्ट वाली मिलती है या नहीं मिलती, मैं उसके लिए सर्च मार रहा हूँ भाई। आज संडे है, संडे
तो संडे के दिन देखो ये बाहर भी एक ब्लैंकेट रखा हुआ ना, अभी दो बोरे ये लेके आया, अभी ये दोनों बोरे भी उसमें डाल देगा। ये भाई साहब ने डाल दिया एक। मैं तो ड्रोन गुम होने का थोड़ा सा गम कर रहा था, तभी ये बंदा आ गया। चढ़दी कला भाई जी, जो जिंदगी में जैसे लिखा होना होता है, जहाँ पे नुकसान होना होता है ना, उसको दो तरीके होते हैं झेलने के। मैं हर बार बोलता हूँ कि चाहे उसको दुख तो होता है, ऐसी बात नहीं, मैं भी इंसान हूँ, मैं कौन सा रब हूँ कि मेरे को दुख नहीं होता। दुख होता है, लेकिन इसको दो तरीके से हैंडल करो। एक तरीका ये है कि दुखी हो जाओ, ये करो वो करो, मैं आराम से अपनी डेटिंग कर रहा हूँ, जो हो गया सो हो गया। चढ़दी कला में भाई जी, उनकी साइड खोल के पानी की कवरेज उनमें है, उनका फॉर्म भरना शुरू कर रहा हूँ। हमेशा हम अच्छा करने के लिए कुछ करते हैं कि यार बड़ा ना बेहतरीन शॉट आने वाला था, नीचे से ड्रोन जाती ब्रिज के ऊपर, जब उठती तो नीचे कारें आनी थी, लेकिन वो सारा चला गया। चलो ठीक है, ये बॉक्स लगे हुए हैं भाई दो, ये देखो ये नीचे से ना लॉक लगा हुआ है इनको, और ये भाई एक साइड में रख गया। ये देखो हमारे घरों में होता है ना सिस्टम वो, कि जब हमारा नया कपड़ा होता है तो फिर बाद में जब थोड़ा पुराना हो जाता है, साल दो साल के बाद में, फिर वही उसको घर में ना घर में लगा लेते हैं, पहले बाहर डालते हैं शादी शुदी में, फिर घर में, फिर दो तीन साल के बाद में मेरी मम्मी पता क्या करती है, उसको बूट साफ करने के लिए रख लेती है। फिर जब वो पूरा गल जाता है ना, तो फिर उसके बाद में भाई उसको पोछा बना लेते हैं नीचे से। 7-8 साल भाई ज़िंदगी के ऐसे ही निकल जाते हैं। और यहाँ के हिसाब से ये अपने पंजाबी बंदे आ रहे हैं, इनसे बात करवाता हूँ आपकी, शायद ये मान जाए कैमरे के ऊपर। एक्सक्यूज़ मी, पंजाबी है ना, वधिया वधिया, कैमरे से गल कर लोगे? कुछ क्वेश्चन इतों से पहले पूछना पड़ता है भाई, बाद में अगर सीधा गले को पकड़े भी, हाँ भाई तूने पूछ कैसे लिया मेरे से। ये बंदे भाई लोकल रहते हैं सिडनी में, सिडनी ऑस्ट्रेलिया वाली लगती है मेरे को तो हर बार, लेकिन ये सिडनी नोवा स्कॉशिया वाली है। अच्छा लगता है जब इतनी दूर आकर कोई ना कोई जानता है। इनसे पूछ लेते हैं ये क्या करते हैं। मैं स्टूडेंट आई थे, मैं ओपन थे, स्पाउस ओपन, जरा स्पाउस वाली बड़ी फैसिलिटी मिली हुई ना, बंदे सारे इकट्ठे हो जाते हैं, वधिया गल है। नहीं तो पहले बहुत मुश्किल होती थी, पहले बंदा बहुत लेट आता था, अभी तो 6-7 महीने के बाद में बंदा भी यहाँ पहुंच जाता है। सही बात है। ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸਟੱਡੀ ਦਾ? $12,000 ਪੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਸਾਲ ਦੇ, ਆਈ ਗੈਸ 1 ਸਾਲ ਕੇ $12,000 ਹੈ। ਯਹਾਂ ਪੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਕੇਬਰਿਟਨ, ਹਾਂਜੀ ਕੇਬਰਿਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਭੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਰੀਸੈਂਟ ਮਾਲੂਮ ਪੜਾ ਕਿ ਯਹਾਂ ਪੇ ਔਰ ਖਰਚਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਦੀ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਯਹਾਂ ਪੇ ਵੀ ਭਾਈ ਹਮਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੋਂ ਕਾ ਪੈਰ ਪੜ ਜਾਤਾ ਨਾ, ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਦੇਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਪੈਸਾ ਇਨਕੇ ਪਾਸ ਆਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਮੇ ਕਾਲਜ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਤੇ ਹੈ। ਯਹਾਂ ਪੇ ਇਨਕਾ ਲੋਕਲ ਪੜਨੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, 86% हमारे बंदे और 14% दूसरी कम्युनिटी के बंदे, वो भी चाइना से आए हुए हैं। हाँ। या किसी और कंट्री से काले भी है ना, नाइजीरियंस भी हैं और दूसरे भी, लेकिन 86 हमारे ही होते हैं, लेकिन हमारा ही पैसा है जो इनको दे रहे हैं और ये बड़े हो रहे हैं भाई। हाँ। और ये बहन जी यहाँ पे काम करती है, इनका पीछे स्टोर है। कितना टाइम हो गया आपकी स्टडी को? मैंने साल हो गया। कोई एक चीज ब्रदर जो बड़ी प्रॉब्लम लगती है यहाँ पे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या लगती है? सब तो पहला तो हाउसिंग आ, दूसरी जॉब्स है, लाइक मतलब कई लोग पिछले सितंबर या जनवरी दे भी आए हुए हैं, दे डोंट हैव जॉब्स, तो ऑब्वियसली उन्होंने पिछले अपनी होम कंट्रीज तो मंगवाना ही पै रहा है। लेकिन जितने भी मैंने स्टोर देखे सारे भी अपने ही बंदे लगे हुए हैं, उनको तो जॉब मिली हुई ना, मिली हुई है, कई पुराने भी लग रखे हैं यहाँ पर, ये नहीं है ना कि अभी अभी आए हैं सब। हाँ एक बार वो भी है, एक बार जिसने जॉब पकड़ ली 2-3 साल तो उसके पास ही है ना, पक्का होगा फिर छोड़ेगा ना। आपको जॉब मिली, आप क्या कर रहे हैं? आप? मैं मैकडोनल्ड्स पे हूं। नॉट लाइक कि तुसी जाओगे या एक जगह छड़ता तो तुम्हें फटाफट मिल जाओगी, वो नहीं, मतलब तुसी एक जगह अपॉर्चुनिटीज का। और हाउसिंग रेंट की प्रॉब्लम चल रही है? रेंटिंग पे हाउस मिल ही नहीं रहे हैं, मतलब बच्चे इधर ट्रैवल लॉन्ज या होटल्स से भी रहते हैं आके। ट्रैवल लॉन्ज फिर बहुत खर्चा होता होगा ट्रैवल लॉन्ज में, बच्चे पैसा खर्चना चाहते हैं पर हाउस नहीं मिल रहे, मतलब समझ रहे हो। हाँ पैसे हैं बंदों के पास में, लेकिन हाउस नहीं मिल रहा। पैसे हमारे पास बहुत है यार, पैसे तो उधर से भी कितने दे के आए, पैसे बहुत है लेकिन मिलना चाहिए आगे बढ़े ना बंदे से। कल से देख रहा हूँ प्रॉपर्टियों के रेट भी यहाँ पे बहुत है यार, सेम प्राइस विनीपेग के जैसा है, रजाइना के जैसा है, सेम प्राइस है, कुछ सस्ता नहीं है। मैं सोच रहा था कि यहाँ यहाँ पे जितनी डिमांड है बच्चों की, एक आध प्रॉपर्टी यहाँ पे लेते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी मैंने जब देखी तो सेम प्राइस है। मैं बोला फिर क्यों इतनी दूर पैसे खर्चने हैं, यहाँ की फ्लाइट लेने के लिए भी 3-4 जो हाई बदल के आना पड़ता है, सिडनी में आना है। अभी बच्चों को क्या बोला कि बेसमेंट घर से लेके आए, बेसमेंट का प्राइस क्या है? बेसमेंट आई एम पेइंग लाइक 1000 फॉर वन कपल, लाइक वन रूम वन बेडरूम। वैसे भी मेमोरी बन गई सिडनी के साथ में, ये बंदे तो मिले ही मिले, मेरी ड्रोन वहाँ डूबी हुई है। जैसे टाइटैनिक नहीं डूब गया था तो वहाँ पे उन्होंने एक बनाया हुआ सिस्टम, मैं भी वहाँ पे ना एक पत्थर फेंक के आया बड़ा वाला, यहाँ मेरी ड्रोन डूबी हुई है। और गुरुद्वारा साहब में कितने बंदे आते जाते हैं? गुरुद्वारा साहब है इतने, गुरुद्वारा साहब हुणे हुणे बने, मतलब अप्रैल च बनया सीगा, विसाखी वाले दिन आई गेस इनॉग्रेशन प्रॉपर हुई सी उत्थे, ते स्टूडेंट्स ने मिलके ही बनाया है।
ਲਾਈਕ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਸੋ ਦੇ ਹੈਵ ਮਨੀ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਯਹਾਂ ਪਰ ਨਾ ਕੰਮ ਹੋਗੀ ਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੰਦੂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਗਰਾਜ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਲਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ थैंक यू कर देते हैं भाई इनका इन्होंने अपना कीमती समय दिया है हम जैसे फ्री बंदों को लाइट कहाँ से चलती है भाई हाँ देख लो भाई आज रात का डिनर अपना चिकन मंगाया हुआ इसमें रोटी है नान है बटर नान और ये हमने साथ में रखा हुआ है मेरे को याद रहता है कि मैंने अपने कपड़े धोने मेरे पास और कपड़े हैं नहीं एक नुकसान होने की वजह से जिंदगी थोड़ी ना जीनी छोड़ सकते हैं कई बंदों को लगा होगा कि भाई अभी जाएगा पानी में देखने के लिए भाई मैं इतना पागल इंसान नहीं हूँ कि ड्रोन के बदले पानी में चला जाऊँ पानी की गहराई कितनी मालूम किसकी किसको मालूम कितनी गहराई है और मैं ड्रोन के बदले कभी बीच में नहीं जाऊँगा भाई मेरा परिवार पीछे मेरी वेट कर रहा है लोकल जो होता है ना लोकल बंदे से बात करते हैं उनको असलियत मालूम होती है वैसे उन्होंने मेरे को बताई थी मैं भी आपको डायरेक्ट बता सकता लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट की अगर आप कैमरे पे आ सकते हो बाकी उन्होंने मेरे को बड़ा जोर लगाया मेरे हमारे साथ चलो भाई क्यों किसी के स्केड्यूल में इंटरफेरेंस करनी है उनके अपने प्लान होंगे आज संडे तो हम तो बस बिन बुलाए मेहमान हैं हम लाइक करके जाना चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अच्छा सा कमेंट कर दो कि आपको कैसा लगा ड्रोन चली गई है अपनी बस इतना सोचो कि उसका कितना शुक्र है दूसरी तरफ से सोचें कि मैंने सारा डाटा निकाल लिया था जो आपने पीछे बड़े व्लॉग में शिप की फुटेज देखी बड़े वाली शिप की अगर वो भाई चला जाता ना फिर मैं पक्का मेरे हिसाब से गोताखोर लेके आता चाहे मेरे को 100-200 डॉलर देने पड़ते मिलते हैं कल एक और नए एपिसोड में 36 घंटे हमने यहाँ पे काटे सिडनी में लेकिन मैंने कोई भी इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी नहीं डाली सॉरी दोस्तों कोई चक्कर नहीं मिलते हैं कल एक और नए एपिसोड में चल जाना अपना और अपने बार का ख्याल रखना रब रखा ऐसा नहीं है कि सुबह उठते ही हमको कॉल आएगी कि भाई उठ के यहाँ चले जाओ सुबह 10-11-12 बजे विनिंग पैक के तब तक अपने को मालूम पड़ेगा कि अपना लोड कहाँ से क्योंकि कल मंडे आएंगे ब्रोकर आएंगे डिस्पैच आएगी लोड मार्केट में आएंगे फिर हमको मालूम पड़ेगा कि लोड कहाँ से उठाना है तो ये बड़ी पेशेंस वाली गेम होती है हर एक चीज़ में मैंने कई बार ज़िंदगी में बोला है कि अगर किसी बंदे का पेशेंस का लेवल चेक करना है तो वो ड्राइवर को मिलो अगर उससे भी ज़्यादा किसी बंदे का पेशेंस का लेवल चेक करना तो डबल ट्रेलर वाले को मिलो ट्रकों वालों का हौसला बड़ा बुलंद होता है क्योंकि वेटिंग के साथ में दोस्ती पक्की रहती है जब तक ट्रकिंग करते हैं तब तक आपकी वेटिंग पड़ गई छत्तीस पड़ गई लोड नहीं मिला लोड नहीं उतरा लोड उतरेगा लोड कल उतरेगा लोड लेट हो गया ये चीज़ें आम होती हैं ड्राइवर की ज़िंदगी उसको आपको कैसे झेलना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है रब रखा सिडनी की एक और चीज़ जो उन लोगों ने मेरे को बताई वो हमने रिकॉर्ड नहीं की यहाँ पे बसों का ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा मुश्किल है जगह अगर आपका कोई स्टूडेंट या आपका कोई रिश्तेदार स्टूडेंट आ रहा है आपकी यूनिवर्सिटी के पास में रूम आपको 100-200 डॉलर महंगा मिलता है तो ले लो वैसे भी रेंटिंग प्रॉपर्टी यहाँ पे मुश्किल मिलती है ट्रांसपोर्टेशन की बसों की बड़ी प्रॉब्लम है संडे को तो बस चलती नहीं सैटरडे को बसें चलती हैं लेकिन बहुत कम होती हैं मंडे टू फ्राइडे बसें होती हैं लेकिन वो भरी हुई होती हैं फिर वो रोकते नहीं रास्ते में क्योंकि वो हाउसफुल हो जाता है ठीक है नए आ रहे हो अपना पूरा प्रबंध करके आओ क्योंकि यहाँ पे हालात इतने अच्छे नहीं है आते ही आपको काम नहीं मिलेगा और आते ही आपको रिहायश नहीं मिलेगी अगर आपकी वाक भी नहीं है अगर बहुत सारे बंदे जिनकी वाक भी नहीं है वो होटलों में रह रहे हैं डेली का पैसा 100-100 डॉलर डेली का देना पड़ता है और इंडिया से पैसे मंगवा रहे हैं बड़ा ख्याल करो